हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये तो बड़ी हंसने वाली सी कोई न्यूज है। कह रहे हैं अभी कटोरा शरीफ ने मांगा लोन, यूएई मुस्लिम नेशन ने मजाक उड़ाया है। ये क्या हुआ, ये फिर लोन मांगने चले गए हैं? कितनी बारी लोन मांगते और कहाँ कहाँ से, मतलब इनका काम ही हो गया कि हर जगह जहाँ जाओ मांगते ही रहो। अभी IMF से एक बारी लिया, दूसरी बारी ले रहे हैं, अब यहाँ पे UAE से फिर मांगने चले गए, ऐसे लग रहा है। चलो देखें न्यूज़ क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मांगी भी फिर खुद को माना भिखारी। On other days, that I will go to our brotherly country with a begging bowl. अब कल हमारे वजीर आजम साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया UAE के अंदर। ये तो पुराना भी था, फिर से हो गया क्या? ये कटोरा लेके जाना बंद कर दिया। बातें लगे जाते हैं। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वजीर आजम ऐसी बातें क्यों करता है। बातें लगे जाते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने क्योंकि हम ज्यादा पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट का, जिसे आप कहें कि वादा किया कि हम करेंगे, कमिटमेंट की है। अमूमन मुल्कों की जो वादे होते हैं वो किस हद तक मटेरियलाइज होंगे। और शेख अल नहयान ने $10 अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का वादा किया, लेकिन वादा किया ना, आज वादा तो थोड़ा भी जाता। सेव कर लेना, ठीक है। आज है 24 मई, ओके 24 मई की तारीख है। ये वीडियो पाकिस्तानियों सेव कर लेना, तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। सऊदियों ने भी तुम्हें गोली दी है, चूरन दिया, गोली नहीं चूरन। शहबाज शरीफ से ज्यादा बड़े कोई सच्चे किस्म के वजीर आलम, और वो तो कहते रहे, बार बार कहते हैं कि देखो जहाँ पे भी जाते हो कहते हैं देखो भिखारी आ गया। आई विश कि हम वो इन्वेस्टमेंट उनसे ले सके जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी अच्छी होती, लेकिन हम नहीं ले सके, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अब मतलब? कल हमारे वजीर आजम साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया UAE के अंदर। अब हमने उसके बाद टैंकी लेके भैया देखो ये जो कह रहे हैं ना UAE वाले कि हम $10 अरब पाकिस्तान में डालेंगे, बिल्कुल ये 10 नहीं 20 डालेंगे 30 डालेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी, कमी कहाँ पे होगी? कोई एयरपोर्ट ले जाएगा, कोई 10-15 रेलवे स्टेशन ले जाए। अच्छा ना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ ने UAE जाके एक स्पीच में कहा कि हम अब कटोरा लेके UAE नहीं आए हैं, और फिर कटोरे में भीख भी मांग लिया। दोस्तों पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है कि जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ कटोरा, भिखारी, भीख, इन सब की बात करते। तो मना कर दिया था इनको भीख देने से। UAE में जब ये गए, UAE के शेख से इनकी बात हुई तो UAE के शेख ने कहा कि हम $10 बिलियन आपको लोन नहीं देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। अब जो है पूरी दुनिया मजाक फिर उड़ा रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो सकता है कुछ। जहाँ कोई इन्वेस्ट करता है वहीं पे मारधाड़ शुरू हो जाती है। चाइनीज का इन्वेस्टमेंट तक सेफ नहीं है तो UAE तो गोली दे रहा है, पक्का इन्वेस्ट नहीं करने वाला। और अगर इन्वेस्ट करेगा भी तो इनके एसेट्स को खरीदेगा, बस उसका नाम इन्वेस्टमेंट है। जैसे पाकिस्तान के कोई ब्रिज खरीद लिया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कोई एक हिस्सा खरीद लिया, कोई बीच खरीद लिया, कोई एयरपोर्ट खरीद लिया, ऐसे इन्वेस्टमेंट तो कोई भी देश कर सकता है। लेकिन वो IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दे या कोई फैक्ट्री लगा दे, हब बना दे, ये सब कोई देश नहीं करने वाला। क्योंकि जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो उनको इन्वेस्टमेंट किए हुए लोग छोड़ के भाग रहे हैं वहां से, जहां से आने वाला ही नहीं है। कौन नहीं आएगा, कोई क्यों लगाएगा यार? एक बात बताओ, पाकिस्तान मारो बोली इन सब चीजों को, कोई क्यों लगाएगा तुम्हारे ऊपर 10 अरब? तब लगाएगा ना जब कहेगा कि मेरे 10 अरब महफूज हैं, बिल्कुल सेफ हैं, और 1-2 अरब में ऊपर से और कमा लूंगा, तभी तो लगाएगा कोई 10 अरब। आप ये चाहते हैं कि ऐसे भी मुसलमान थे तो सभी मुसलमान, बस चेक काटते रहो इस्लाम के नाम पे, चेक काटते रहो, लेकिन ऐसा दुनिया चलती नहीं। कितने सालों से बचपन से तो चेक ही कटवा रहे हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी चेकबुक ही खत्म हो गई तो है नहीं, है ना? तो अब वो कह रहा है कि हाँ ठीक है तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। नाम उसका इन्वेस्टमेंट है। होने क्या वाला है? तुम्हारा डमरू बजने वाला, अच्छा वाला रिकॉर्डिक ले लो, तुम्हारे बड़े बड़े डैम ले लो, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं सब ले लो, ये सब जाने वाले हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी एयरलाइन PIA वो भी एक विदेशी खरीदेगा, कोई लेना ही नहीं चाह रहा, बेचने की कोशिश कर ले ही नहीं रहा। वो तकरीबन 80-84 अरब डॉलर है, ये जो UAE की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर
वो पिछले साल 3.3 बिलियन डॉलर थी। क्या शकल था? और वो इन्वेस्टमेंट पता है किधर थी? हेल्थ टेक में, क्लीन टेक, अभी कश्मीर में, एड टेक में, फिनटेक में। मैं समझता हूँ हमारा वजीर आजम तो ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते होंगे। इसको किसी का मैसेज आया है, पंग पंग हुई। अब इंडिया के अंदर क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन, एयर कार्गो, ये सारे एरियाज हैं जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आगे बोल। So, जो चीजें हमें लेनी चाहिए यूएई से स्लो हम नहीं ले पा रहे, प्रोसेस जिसकी मैं समझता हूँ हमें जरूरत है, इसका सीपीयू ठीक जो हमें लेना है, सीपीयू होता है ना, और हम तैयार बैठे हैं ठीक करते हैं, सीपीयू का ये पैसे आएंगे नहीं, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारी चीखें एक दफा निकलवा देनी है, और वो चीखें जो है वो इन टर्म्स ऑफ आपकी प्योरली एक इन्फ्लेशन की शक्ल में होनी है, और वो किसको नुकसान होगा? आम आदमी को, अमीर लोगों को तो इसका नुकसान नहीं होता। सो पाकिस्तान को ये चीज समझना है कि अगर पाकिस्तान को समझा आता तो इट मींस कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस गैप इतने ज्यादा होते कि हम समझते यार ये वो बातें कर रहे हैं। अभी ये जो 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने किसी यूएई के ऑफिशियल हैंडल से ये बातें नहीं सुनी। करेक्ट, मीडिया में पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैलाई है। ये मैं ही बोल के बोल रहे हैं, सब कर लो। सऊदी अरब 5 अरब डॉलर की कर रहा है, सऊदी अरब के इतने डेलीगेशन आए हैं और वो 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, ये अपनी जनता को चूरन खिला रहे हैं। पाकिस्तान एक दफा गया है और यूएई को उन्होंने कह दिया जी 10 अरब डॉलर, एंड मैं मुझे थोड़ा सा शक है इस पे, थोड़ा है, हमें तो पूरा शक है, इनका भी थोड़ा ही है, ये होगा वैसे ही चलेगा, पूरा शक, डिफरेंट स्टोरी होगी, मेरी तो अपनी जाती राय के अंदर, ये वो स्टोरी नहीं है जो तो तुम भी इंडियन चैनल देख के, तुम्हारी कोई राय नहीं होती, तुम इंडियन चैनल्स को देख के लोगों को सुन के इंडियंस को पालते हो। तो भैया देखो ये जो कह रहे हैं ना यूएई वाले कि हम 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में डालेंगे, बिल्कुल ये 10 नहीं 20 डालेंगे 30 डालेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, कमी कहां पे होगी? कोई एयरपोर्ट ले जाएगा जल्दी, कोई 10-15 रेलवे स्टेशन ले जाएगा, कोई जमीनें ले जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग ले जाएगा, कोई डैम ले जाएगा, आपके घर के बर्तन बिक रहे हैं। अब दोस्तों मैं ये समझा देता हूं, खासतौर से पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? आप किसी चीज में पैसा डालते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि हम अगर 100 रुपए डाल रहे हैं तो 10-15 रुपए हम इससे कमाएंगे और जो 100 रुपए हमने डाले हैं वो सेफ है। ये पाकिस्तानियों को समझाने की जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है कि वो पैसा देंगे और हम उसको खा के डकार मार देंगे, उन्हें नहीं पता कि वो लेओगे उसके बाद उससे प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट और जितना दिया है उसका कुछ जो है पहले तो जितना लिया है वो वापस दो और उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसका भी कुछ परसेंट उनको मिलेगा, ताकि उन्होंने जो किया। अच्छी बात ये है कि कंट्रीज ने क्लियर किया आपको हम जो भी है डोनेशन नहीं दे सकते, एड नहीं दे सकते, भीख नहीं दे सकते और लोन भी नहीं दे सकते, क्योंकि लोन पता नहीं कब वापस आएगा, तो वो भी नहीं आने का, इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, एसेट्स आपके खरीदेंगे और होप करेंगे उसे चलाएं कुछ करें इस टाइप से, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। और वो ये सारी स्टेटमेंट जो है यूएई वगैरह ने नहीं दी, इनके खुद के लोग ही बता रहे हैं। तो मज़े की बात ये भी है कि ऑफिशियली कोई भी कंट्रीज कुछ नहीं बोल रही, वहीं की जनता को बता रहे हैं देखो हमें ये मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया, हम कटोरा लेके थोड़ा गए थे, हम तो ऐसे गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए गए हैं, अब देखेंगे। मगर इससे पहले एक न्यूज़ आई थी बड़ी खतरनाक, ये लोग अपने एसेट्स बेचना शुरू कर दिए हैं, उसमें खुद ही बोल रहे थे कि हम जो है प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जब इन्होंने तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं मतलब कोई भी बंदा जो है उसको खरीद सकता है नेशनल एसेट्स को, तो और ये अपना PIA को भी तो बेचने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी लेना ही नहीं चाह रहा, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, ये हालत है इनकी। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।